हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अनीश, और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एडिट केज में। यह है एपिसोड 8 काइनमास्टर वीडियो एडिटिंग सीरीज का, और इस एपिसोड के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्स्ट लेयर के बारे में, किस तरह से आप अपने वीडियोस के अंदर टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, वही आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब मैं काइनमास्टर वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैंने टाइमलाइन के अंदर एक छोटी सी बैकग्राउंड इंपोर्ट करी हुई है। इसी बैकग्राउंड के ऊपर मैं आपको टेक्स्ट ऐड करके दिखाने वाला हूँ। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले आपने इस लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से टेक्स्ट ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। अब आप जो भी चाहते हैं वो टेक्स्ट आप टाइप कर लीजिए, और टाइप करने के बाद में इस ओके वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं, ये जो टेक्स्ट हमने लिखा था वो स्क्रीन के ऊपर हमें डिस्प्ले हो रहा है, और इसको हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं, स्क्रीन पे कहीं भी इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको स्क्रीन पे यहाँ साइड में एडजस्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर हम इसके एडिटिंग फीचर्स की ओर देखें, तो सबसे पहले ये जो हमें ऑप्शन दिख रही है, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे फोन्ट्स मिल जाते हैं, और ये जो नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है लैटिन वाला, इस पर क्लिक करोगे तो और आपको फोन्ट्स दिख जाएंगे। मैं फ़िलहाल के लिए ये फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, और अब आप देखिए ये फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है, ये ट्रिम एंड स्प्लिट की ऑप्शन है, ये हम बहुत सारे वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, तो अब मैं इसको बताने नहीं वाला हूँ, आप इसको खुद ट्राई करके देखो। थर्ड ऑप्शन आपको मिल जाती है, यहाँ पे कलर की ऑप्शन है, यहाँ से आप इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये वाइट कलर में मिलेगा, आप यहाँ से बहुत सारे आपको कलर्स मिल जाते हैं, आप कोई भी कलर अप्लाई कर लो। यहाँ पे आपको पहले से ही बने बनाए कलर्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी कलर की एक नई शेड क्रिएट करना चाहते हो तो इस सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करो, यहाँ से आप उस कलर की शेड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड ऑप्शन भी यही है, वहाँ से आप थोड़ा और कस्टम तरीके से उस चीज़ को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए हम बने बनाए कलर से चूज़ करते हैं, वहाँ से मैं फॉर एग्जांपल ग्रीन कलर चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो उसका कलर चेंज हो गया। ये जो नीचे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ये सारे ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं, इन एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन, ये ओपेसिटी। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ओके, ये जो ब्लेंडिंग तक आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, ये सारे हमें पता है कैसे यूज़ करने हैं। ठीक है, उसके नीचे वाले ऑप्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये थोड़े से नए ऑप्शंस हैं, और ये ऑप्शंस आपको टेक्स्ट लेयर के अंदर ही मिलते हैं। तो चलिए, सबसे पहला ऑप्शन है टेक्स्ट ऑप्शंस, तो इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप इस टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। अलाइनमेंट आपको पता ही होगा क्या होती है। देखिए, फिलहाल के लिए ये सेंटर अलाइनमेंट पे सिलेक्टेड है, यानी कि जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो सेंटर में अलाइंड रहेगा। लेकिन अगर यही आप राइट अलाइनमेंट सिलेक्ट कर लेते हो, या फिर लेफ्ट अलाइनमेंट सिलेक्ट कर लेते हो, तो आपका टेक्स्ट जो है उसी अकॉर्डिंग अलाइन हो जाएगा। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कुछ इस तरह से आपका टेक्स्ट हो जाएगा। अभी तो हमने एक ही वर्ड लिखा है, तो प्रॉपरली उस चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन ये सब ऑप्शंस अलाइनमेंट के हैं, यहाँ से आप इनको देख सकते हो। और नीचे आपको यहाँ पे करेक्टर स्पेसिंग का ऑप्शन मिल जाता है, कि कितनी आप स्पेस देना चाहते हो हर एक करेक्टर के अंदर। ठीक है, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो यहाँ देख सकते हो इसकी स्पेसिंग बढ़ गई, अगर इसको कम कर देता हूँ तो उसकी स्पेसिंग कम हो गई। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप इसको यूज़ करके देखो। नीचे आपको आउटलाइन का ऑप्शन दिख जाता है, अगर हम इसको इनेबल कर देते हैं तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको ब्लैक कलर मिलता है, ब्लैक कलर की आउटलाइन इसके ऊपर हो जाएगी। और अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो इस कलर पे क्लिक करो, और यहाँ से कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो उसी रंग की, उसी कलर की आउटलाइन वहाँ पे हो जाएगी। नीचे आपको वेटेज की भी ऑप्शन मिलती है, कि इस आउटलाइन का वेट कितना रखना चाहते हो, अगर इसको बढ़ाओगे तो आउटलाइन जो है वो आप कह सकते हो मोटी होती जाएगी। तो ये आप अपने हिसाब से सेटिंग्स कर सकते हो। उसके बाद नीचे हमें ऑप्शन मिल जाता है ग्लो का,
अब ग्लो से क्या होता है, अगर आप इसको इनेबल कर देते हो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे येलो कलर है, येलो कलर से हमारा टेक्स्ट ग्लो करने लगेगा। तो आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है स्प्रेड का, स्प्रेड ऑप्शन से क्या होता है कि आपका कलर फैलता जाएगा, जितना आप इसको बढ़ाते जाओगे उतना ये कलर फैलता जाएगा। और अगर बात करें साइज की, तो साइज से क्या होता है कि ये इस तरह से देखो बड़ा हो जाता है। यहाँ अगर हम देखें ना तो देख सकते हो ये बड़ा हो रहा है, साइज में बड़ा हो रहा है। वो स्प्रेड था कि वो फैल रहा है, ये बड़ा हो रहा है। तो दोनों में एक डिफरेंस है जो मैंने आपको विजुअली यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद नीचे आपको लास्ट यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाती है बैकग्राउंड कलर की। बैकग्राउंड कलर से क्या होता है, अगर आप इसको इनेबल कर देते हो तो आपके बैकग्राउंड के अंदर ये देखो इस तरह से कलर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको इस कलर वाले टैब पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप देख सकते हो कि इसकी ट्रांसपेरेंसी अभी 50 पे है, इसलिए आपको ब्लैक कलर प्रॉपरली बैकग्राउंड के अंदर दिख नहीं रहा। ठीक है, अगर हम इसको 100 पे ले जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रॉपर ब्लैक कलर आ चुका है, और इसको हम प्रॉपर बैकग्राउंड कलर बोल सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये 50 पे ही सही लगता है बैकग्राउंड कलर, तो इसीलिए इन्होंने इसकी डिफ़ॉल्ट जो है इसकी ट्रांसपेरेंसी 50 रखी हुई है। तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, नीचे आपको मिल जाता है ऑप्शन फुल विड्थ बैकग्राउंड का। अब इससे क्या होता है कि अगर मैं इसको इनेबल कर दूं तो यहाँ पे फुल विड्थ में ये आ गया है और इसके ऊपर में टेक्स्ट चल रहा है। लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन नाम की एक ऑप्शन मिल जाती है, इसके अंदर आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी, लेकिन लेयर की क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे आप सिंपली इसका नाम चेंज कर सकते हो, ज़्यादा कोई इम्पॉर्टेंट है नहीं ऑप्शन, तो अभी के लिए इसको छोड़ दो। बाकी मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑप्शन थे वो सब आपको समझा दिए हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी यार एप्लीकेशन तो आप पे डिपेंड करती है, मेरा तो काम है आपको ऑप्शंस समझाना, सारे टूल्स क्लियर कर देना। अब एप्लीकेशन आप कैसे करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी अगर आपको कोई टूल समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में आओ और वहाँ पे मुझसे पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए यार, और फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।